वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो है बोस डिशवाशर के ऊपर है, और मेरा जो पिछला वीडियो था एलजी डिशवाशर के ऊपर जो मैंने रिटर्न कर दिया था, उसके ऊपर काफ़ी सारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि आपने कौन सा डिशवाशर लिया, तो उसका आंसर है बोस। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मेरा यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। इसको मैंने ऑलरेडी 2 साल यूज कर लिया है। 2 साल यूज करने के बाद ये जो डिशवाशर है बोस, ये मतलब मेरा फीडबैक कैसा है इसके ऊपर, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एलजी का डिशवाशर लिया था और उसको मैंने रिटर्न कर दिया था। क्यों रिटर्न किया था उसका वीडियो मैं इधर लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप उसको देख के मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि वो डिशवाशर क्यों रिटर्न किया था। तो एलजी डिशवाशर रिटर्न करने के बाद इमीडिएटली मैंने बोस लिया था, और मेरे जो सोसाइटी में काफ़ी सारे लोगों ने इसका फीडबैक अच्छा दिया था। और अभी 2 साल हो गया है मैं ये प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि डेफिनेटली मेरे लिए मतलब ये बेटर काम कर रहा है ना। तो इसको यूज करने से पहले मैं इसका थोड़ा सेटअप दिखा देता हूँ कि मैंने सेटअप क्या किया है। मैंने एक कैंट का यहाँ पे एक वाटर सॉफ्टनर यूज किया है, जो कि यहाँ पे पानी इनलेट और आउटलेट है, तो ये मेरे किचन को पानी देता है और डिशवाशर को भी पानी देता है। तो मेरे यहाँ पे वाटर हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे सॉफ्टनर लगाना पड़ा। ओके, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि अभी 2 साल हो गया है और अभी तक कुछ भी इशू नहीं हुआ है, और मैंने इसका एक्सटेंडेड वारंटी 3 साल एक्स्ट्रा लिया है, उसके लिए कुछ 1800 मैंने एक्स्ट्रा पे किया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्तन साफ कैसे हो रहा है। तो ये हमने कुछ बर्तन डाले थे जो क्लीन हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हुआ है। यहाँ पे जैसे वो वाइट कलर का जो दाग रहता है वो सब नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, है ना, आप सारे बर्तन देख सकते हो। तो क्लीनिंग अच्छा कर रहा है, और जो एलजी में जो प्रॉब्लम था जो रिज्यूम का, अगर पावर चला जाता है तो वहाँ पे रिज्यूम उसी टाइम से नहीं होता था, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, जो मेजर मेरा मतलब कंप्लेन था एलजी को लेके। काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हुआ है। अभी मेरा इसमें सॉल्ट ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए मतलब भी सॉल्ट डालना पड़ेगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें अभी तक क्या क्या मैंने ट्रबल शूट किया है जो आपके काम की चीज़ है, और मेरा जो बेस्ट सेटिंग है जिससे मैं क्लीन करता हूँ उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। ये मिल्क का बर्तन है, ये आप देख सकते हो, ये मिल्क का बर्तन है जो पूरी अच्छे तरीके से क्लीन किया है। ये जो चीज़ है वो एलजी पे ठीक से नहीं हो रहा था, है ना। तो ये देख सकते हैं आप चाय का बर्तन, अभी भी थोड़ा साइड का, ज्यादातर ये साइड का जला हुआ होता है ना, बस फिर भी थोड़ा थोड़ा रह गया है। हाँ, इसको थोड़ा हाथ से थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक, और एक भी है, ये और एक चाय का बर्तन है, ये भी पूरा कलम, ये मतलब ये पहले से, ये पहले से दाग है, मतलब पूरा क्लीन है। ये ऊपर भी जो बर्तन है आप देख सकते हैं, जो छोटा छोटा बर्तन है अच्छे तरीके से, ये ग्लास का है, इसको भी ठीक से क्लीन किया है। ये ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, मतलब इसको थोड़ा मतलब खुला खुला छोड़ना है ताकि ये अच्छे से क्लीन करता है। अगर एक बर्तन के ऊपर और एक बर्तन रख देने से वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होता है। ये चाय का छन्नी है जो अच्छे से क्लीन किया है, है ना। पहले इधर थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया था, डिशवाशर से डालने के बाद ये पूरा मतलब अभी पूरा वाइट होता है। ये जो मेरा बोस का डिशवाशर है, ये इसका जो एक्चुअल MRP है वो 41,000 कुछ है, मेरे को ये 36,000 पे आया था, ऑनलाइन लिया था फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसका टूर आपको दे देता हूँ। तो ये आप जैसे देख सकते हो, 2 यहाँ पे ड्रॉयर है और इसके नीचे ये ब्लेड है जिससे पानी स्प्रे होता है, 2 ब्लेड है। ओके, तो ये नीचे वाले को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो एक छन्नी है, यहाँ पे ये जो आउटलेट है, यहाँ पे जो कुछ गंदा वगैरह रहता है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और ये एग्जस्ट जो बाहर का जो पाइप है उसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो है ये सॉल्ट डालने का होता है। तो सॉल्ट का जब इंडिकेटर देता है तो यहाँ पे हम सॉल्ट डालते हैं, ये 1 kg से तक आप यहाँ पे सॉल्ट डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आता है ये सेक्शन आपका, अगर मान लो
यहाँ पे हाफ लोड है, तो यहाँ पे जो आप पाउडर डालोगे, यहाँ पे एक हाफ जो लिखा है इतना तक आप यहाँ पे पाउडर डालना है। और ये जो एरिया है ये रिनसेट डालने के लिए, जो शाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं वो रिनसेट डालने के लिए होता है। तो बस यही मैकेनिज्म है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल है। तो एक कभी मेरा एक्सपीरियंस है आपको बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे पानी डिपॉजिट हो जाता है जो बाहर निकलता नहीं है। वो कब होता है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आप इसके पीछे देख सकते हो जो पाइप है, अगर मान लो ये पाइप ऐसे ऊपर करके हो जाता है तो वो पानी निकलने में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे पानी डिपॉजिट होता है तो आपको इसको क्लीन करना है प्रॉपरली, और पीछे का जो पाइप है उसको थोड़ा नीचे रखना है। वो अगर ऊपर होके रहेगा तो पानी ठीक से इधर से जा नहीं पाता है। और बोस जो होता है वो रेकमेंड करता है फिनिश का प्रोडक्ट, बट आप कोई भी डिटर्जेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई भी जो आपको मतलब आपके बजट पे सूट करता है। मैं आपको बताऊँगा आगे कि मैं कौन सा यूज करता हूँ। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉल्ट जो डिपॉजिट होता है, तो इसको बीच बीच में थोड़ा स्केलिंग पाउडर आता है वो यूज करके इसको क्लीन करना होता है। 3 महीने में या 2 महीने में एक बार स्केलिंग पाउडर डाल के क्लीन करना है। यहाँ पे आपको सारे फंक्शन के बारे में बताया है, कौन सा फंक्शन है क्या है वो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं उतना डिटेल पे अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या यूज करता हूँ क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग जनरली इको यूज करते थे, बट उससे बेटर जो है मेरे लिए, यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, ये स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ये वाला वेरियो इको एंड ऑटो। यहाँ ये आपको टाइम दिखा रहा है 1 आवर 20 मिनट्स। तो ये जो सेटिंग है ये मैं रेकमेंड करूँगा, यहाँ पे आपका ऑटो होना है और यहाँ पे आपको इको, सॉरी ओनली ऑटो 1 आवर 20 मिनट दिखा रहा था। जब आप ये वाला ऑप्शन डालोगे तो आपको 2 आवर 40 मिनट लगेगी, बट ये मेरा रेकमेंडेड सेटिंग है। बाकी जो है आप जब हाफ लोड करना है तो यहाँ पे हाफ लोड, एक्स्ट्रा ड्राई, ओके। अगर आपको ऑयली बर्तन है तो आप इंटेंसिव कढ़ाई यूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिव कढ़ाई करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इतना टाइम, अगर इंटेंसिव कढ़ाई अगर मैं इको के साथ यूज करूँगा तो इसका टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटेंसिव कढ़ाई है, एक्सप्रेस स्पार्कल कभी मैंने ये यूज किया नहीं है, ऑटो में यूज करता हूँ, ये वाला ऑप्शन यूज करता हूँ, इको भी यूज किया था। क्विक अगर मान लो आपको जल्दी करना है तो ये 29 मिनट्स पे क्लीन करके दे देगा, ठीक है। और ये वाला 15, अगर बस ये पानी क्लीन करके दे देगा, ये 15 मिनट पे आपको क्लीन करके दे देगा, ठीक है। इमरजेंसी में कभी चाहिए तो ये यूज कर सकते हैं आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो वाटर हार्डनेस, अगर आपका वाटर हार्डनेस कितना है वो आपके उसके हिसाब से आपको हार्डनेस लेवल सेट करना होता है। तो हार्डनेस लेवल कैसे हम सेट करेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जब सॉल्ट रिफिल करना होता है तो ये रिफिल का यहाँ पे इंडिकेटर आता है, रिनसेट जब आपको डालना है तो यहाँ पे उसका इंडिकेटर आएगा, वाटर अगर नहीं आ रहा है तो उसका भी इंडिकेटर होगा। तो ये 3 इंडिकेटर है, ओके। और तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जैसे कि मैंने बोला वाटर हार्डनेस मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वाटर हार्डनेस सेट करने के लिए आपको यहाँ पे ये दोनों बटन जो स्टार्ट बटन है और इको बटन, इन दोनों को प्रेस करके रखना है, ऐसे दोनों को जब प्रेस करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आप जब दोनों को प्रेस करोगे स्टार्ट एंड इको को, तो यहाँ पे आपको ये हार्डनेस लेवल दिखा रहा है H07, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसको सेट करने के लिए इसका मैनुअल बुक पे पहले बताया है, एक किट आता है जिससे कि आप आपके उधर कितना हार्डनेस है वो आप मेजर कर सकते हो, और उसके हिसाब से इसको आपको कितने में रखना है, 7 पे रखना है, 6 पे रखना है, कितने पे रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। मैंने इसको हाईएस्ट पे रखा है 07 पे। इससे क्या होगा, आपका जो सॉल्ट डालोगे वो मेरा हार्डली दिन में 2 बार डिशवाशर क्लीन होता है तो वो 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, तो ज़्यादा कंज्यूम करता है, ओके। और नेक्स्ट जो आपको आता है इसका, ये है आपका रिनसेट। तो रिनसेट जो है वो आपको कौन से लेवल पे सेट करना है वो आप यहाँ पे ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो। तो ये भी मैंने मैक्सिमम पे ही रखा है, ओके। तो ये प्रोग्राम है,
तो बेसिकली मोस्टली मैं इसमें दो ही ऑप्शन यूज करता हूँ, वाटर हार्डनेस सेट करने का और जो है रिन सेट सेट करने का। हो गया, उसके बाद आप इसको स्टार्ट पे डाल दो तो ये आप एग्जिस्ट हो जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसका कस्टमर सर्विस कैसा है। अभी तक अगर आप देखोगे तो मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, जितने टाइम भी मैंने कस्टमर सर्विस कॉल किया है बहुत प्रॉम्प्टली वो लोग मतलब अपना टेक्नीशियन भेज के वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस बोस प्रोडक्ट को लेके। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट पे बताइए, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। और अभी तक मैं प्रोडक्ट को लेके काफ़ी खुश हूँ, और आप देखोगे तो इसका प्राइस भी काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड। और ये जो मैंने प्रोडक्ट लिया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, अगर आपको यही प्रोडक्ट लेना है। पता नहीं अभी ये मार्केट पे अवेलेबल है कि नहीं, बट सिमिलर प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं।